नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं धनंजय कुमार। आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है जो कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की एक नई फिल्म का शूटिंग स्टार्ट होने वाला है। इस फिल्म का शूटिंग कब से स्टार्ट किया जाएगा इसी के बारे में आप सभी को बहुत ही बड़ी खबर देने वाला हूँ इस वीडियो में। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म जियो मेरी जान, इस फिल्म के बारे में। जियो मेरी जान, इस फिल्म के निर्माता हैं दिनेश, यानी वे म्यूजिक कंपनी वाला निर्माता है, और इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं अनंजय रघुराज, जो कि पहली बार भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के साथ फिल्म बना रहे हैं। आप सभी को बताना चाहता हूं पवन सिंह की फिल्म जियो मेरी जान फिल्म बहुत ही जबरदस्त और शानदार रोमांटिक लव स्टोरी, इमोशनल और एक्शन पैक मूवी होने वाली है, जो कि भोजपुरी दर्शकों को ये भी फिल्म सिनेमाघरों में काफी ज्यादा पसंद भी आने वाली है। और इस फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आएंगे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, लेकिन एक्ट्रेस का नाम अभी नहीं बताया गया है। जल्द आप सभी को बता दिया जाएगा कि इस फिल्म में कौन सी एक्ट्रेस नजर आएंगी, मगर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस फिल्म में कौन सी एक्ट्रेस होनी चाहिए। लेकिन भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म जियो मेरी जान, इस फिल्म को लेकर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। खुशखबरी है कि इस फिल्म का शूटिंग का डेट आ चुका है। हाँ तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूँ इस फिल्म का शूटिंग कब से स्टार्ट किया जाएगा। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म जियो मेरी जान, इस फिल्म का शूटिंग स्टार्ट किया जाएगा इसी 25 जनवरी से। हाँ दोस्तों, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म जियो मेरी जान, इस फिल्म का शूटिंग इसी 25 जनवरी से स्टार्ट किया जाएगा। हाँ तो दोस्तों, ये रहा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का बहुत ही बड़ा अपडेट। आप सभी को कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का वीडियो पसंद आया तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।